ये है दिल्ली दर्पण। उन्नीस सौ छिहत्तर से लोग बाग यहाँ पे रह रहे हैं और उनके साथ बहुत ज्यादा ही जो है कि अत्याचार किया जा रहा है। अभी इसमें 3 दिन का नोटिस दिया गया। दोस्तों नमस्कार, पिछले कई दिनों से हम लगातार बलसवा देवी की जो कवरेज है वो दिखाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पे जब 3 दिन का नोटिस जारी हुआ था तो तमाम लोगों में एक दहशत फैल गई थी, एक डर था कि आज उन्हें अपनी जगह छोड़ के जानी होगी। आपको बता दें, इस समय तमाम हमें पीछे जो पुलिस प्रशासन देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि पुलिस के साथ साथ तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और सबके घरों पर यहाँ पे नोटिस चिपकाए जा रहे हैं और ये वो नोटिस है, घर खाली करने का नोटिस है। और तमाम आप देख सकते हैं कि सभी लोग घर के बाहर हैं और साथ ही साथ हर चौराहे पे लोग बाहर हैं और इकट्ठा हुए हैं कि किस तरीके से अपने घर को बचाया जाए। यहाँ पे जो थाना अध्यक्ष समेत तमाम पुलिस कर्मी भी मौजूद हैं जो अपनी कार्रवाई निरंतर कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जिस तरीके से मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे नोटिस इन लोगों ने चिपकाया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा फोकस करें इस नोटिस के ऊपर। जो नोटिस अभी यहाँ के जो अधिकारी तमाम अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे लगाया गया है और उनके साथ पूरी जो पुलिस प्रशासन है, उनके साथ है। मैं पीछे देखना और दिखाना भी चाहूंगा कि आगे भी लगाता है नोटिस इसी तरीके से लगाए हैं। भैया, नोटिस लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये तो सरासर गलत करा जा रहा है। यहाँ पे जो 1976 से लोग बाग यहाँ पे रह रहे हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा ही जो है कि अत्याचार किया जा रहा है। जो है इतनी सारी पब्लिक है कि कहाँ जाएगी। कम से कम जो बहुत से लोग तो अभी तुरंत में ही हाल फिलहाल में जो 6 महीने साल भर जो है लोग बाग अपने पीछे के बाप दादाओं के मकान बेच करके और डेयरी के अंदर जो जगह ज़मीन लिए हैं, वो किस तरीके से उनका गुजारा होगा। वो तो फिर कम से कम नहीं भी तो 100 साल पीछे चले जाएंगे। उनके पास ना तो रहने की व्यवस्था होगी और ना सोने की व्यवस्था होगी। रोडों पे सोने को मजबूर होंगे बहन बेटियों को लेकर। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार को मानते हैं जी, और किसको मानेंगे हम। अच्छा, लेकिन बात पे एनजीओ एमसीडी की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था काफी समय से, ये एनजीओ ने जो भी करा है ये सरासर गलत किया है। ये इन्होंने गलत गलत रिपोर्टें दिखा करके कि इस तरीके से होता है, गायें वहाँ जाती हैं यहाँ जाती हैं, जबकि यहाँ की गायें जो है कि वहाँ कहीं नहीं जाती है। आप डेयरियों में जाकर देखो, घर घर पे आपको गायें मिलेंगी बंधी हुई। वो किसी की भी गायें जो है कि लैंडफिल पे आपको एक भी गायें नहीं मिलेंगी। जो बाहर की गायें होती हैं वो छोड़ा जाता है लैंडफिल के ऊपर, ताकि जो है कि मतलब जो बीमार है वैसे पशु हैं उन्हें छोड़ देते हैं। दूध जिनका नहीं निकल पाता है वो बाहर के लोग छोड़ते हैं। आप जिस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं, तो एमसीडी के अधिकारियों के द्वारा लगातार घरों के ऊपर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ एक एमसीडी अधिकारी है। सर, बात करें तो कितने दिन का अभी तक नोटिस है इनका? अभी इसमें 3 दिन का नोटिस दिया गया। अच्छा, जिस तरीके से लोगों की बार बार आवाज उठ रही है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? ये तो न्यायालय के आदेश। अच्छा, आप आगे की कार्यवाही क्या, जो प्रशासनिक कार्यवाही वो हमारे उच्च अधिकारी बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे मौजूद है आपके उच्च अधिकारी? नहीं, वो हमारे जनरल ऑफिस। अच्छा, मतलब ये कार्यवाही मतलब पूरे कॉलोनी पे की जाएगी? अभी बलसवा डेयरी कॉलोनी। अच्छा, तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि अब हर जगह यहाँ पे पुलिस कर्मियों के साथ यहाँ पे एमसीडी जो अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अपनी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि उनके मकान नंबर सहित, उनके नाम सहित उनके घर के आगे नोटिस चिपकाए जा रहे हैं और उनके पास 3 दिन का समय है। जिस तरीके से एमसीडी के आला अधिकारियों ने बताया कि उनके पास मात्र 3 दिन का समय है और जल्दी इस कॉलोनी को खाली कराया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि अब इतनी बड़ी कॉलोनी खाली कराई जाएगी तो उनके लिए क्या व्यवस्था कराई जाएगी। अब देखने वाला बड़ा विषय ये होगा कि बलसवा देवी जो लगातार अपनी आवाज उठा रही है, तो क्या उनका कल सुधरेगा या नहीं, इसको देखने के लिए देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी। कैमरा पर्सन राज के साथ मैसन जी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।